आगे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के सानी शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 4 बजे से। यार भाई साहब, मुझे नींद ही नहीं आ रही आज, पता नहीं क्यों। मैं मतलब रात को भी मैं 1 बजे कुछ सोई और अभी मैं 4 बजे उठी और 4 के 4:30 हो गए मतलब, पर आधे घंटे पहले से उठी हुई हूँ मैं। नींद नहीं आ रही मुझे। और अभी तो मम्मी भी उठ गई, क्योंकि मम्मी उठ जाती है 4:30 के बाद, मम्मी भी उठ जाती है और 5 बजे मम्मी भी नीचे चल जाती है। तो मम्मी भी थोड़ी देर में नीचे चल जाएगी, फिर देखूँगी उसके बाद जाऊँगी नीचे। और कभी इतनी जल्दी नहीं उठती मैं, आज मेरे को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। और अंदर से भी अजीब अजीब सा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिलूँगी ना पतिदेव से, इसलिए। और आज तो मतलब इतनी खुशी है कि मुझे जो कभी भूख ही नहीं लगती, आज मैं 3-4 बजे से भूख लगने लग गई। वो तो अभी मैं जाती हूँ नीचे और देखती हूँ कुछ खाने को मिलता है। तो कन्नू को फ़ोन कर दी थी मैं, कहा भाई वो दरवाज़ा नीचे से शटर लगाया होता ना, उन्होंने ताला लगाया होता उसे, तो मैंने कहा भाई खोल दे, पर फ़ोन ही नहीं उठाया बंदे ने। और बाहर देखो हाँ, उजाला भी होने लग गया हल्का हल्का। बाकी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद मैं अब जाती हूँ नीचे, मम्मी उठ जाएगी तो। और मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैंने इस पर ऑयलिंग कर रखी है कल की, क्योंकि मैंने सर धोना है। और बस भूख लगी है खतरनाक, लेकिन अब नींद आएगी तो मैं सो भी नहीं सकती, नहीं सोना मुझे। और पता कल क्या हुआ, मैंने ये देखो बेड बुड पे बलून बलून लगा दिए थे, और फिर मुझे याद ही, मुझे इतना ध्यान ही नहीं रहा दिमाग में, बस तो था कि यहाँ सोना भी है, पर तो नहीं, क्यों मैंने ऐसे किया। फिर मैं कभी नीचे जा रही थी सोने के लिए, कभी ऊपर आ रही थी, फिर मुझे दोबारा से ये बैलून चिपकाने पड़ेंगे जो कि मैंने नीचे फेंक दिए हैं, रात को इधर उधर फेंक दिए हैं सारे। गाइस उठ तो गई थी, पर बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं था। मैंने सोचा जब तक उजाला नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगी, अब जाके उजाला हो गया। पापा नीचे से देख रहे कैसे, तो मेरे घर वाले भी बोलते होंगे किसी दिन ब्लॉक के चक्कर में पागल हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा इसका। तो चलते हैं नीचे। और पापा की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, पता क्या, देखो पापा घर पे रहते हैं जैसे ना, तो अभी मम्मी जैसे गौशाला में मतलब दूध वगैरह निकालने गई है, तो पापा भी मम्मी के साथ जाएंगे, मम्मी खींच जाती तो पापा भी मम्मी के साथ जाते, मतलब दोनों के दोनों साथ साथ में करते हैं हर काम, छोटा बड़ा से बड़ा वाला हर काम ना मिलके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनको देख के मुझे तब ऐसा होता है कि नहीं मुझे भी ऐसी बनना अपने पति के साथ। और पता क्या, हमारी फैमिली में ना सारे ऐसी हैं, मतलब मम्मी पापा की बॉन्डिंग आप लोग देखते हो कितनी अच्छी है, मेरी राहुल की बॉन्डिंग भी ऐसी है। तो मेरी ननद बोलती है फिर, कहते एक हमारे घर में पहले भी वैसी थी और अब फिर से वैसी आ गए। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, मम्मी और जब तक गौशाला से आती मैं चाय बना लेती हूँ। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में पहली बार इतनी जल्दी उठी हूँ, चाय तो पिलाने बंद दिया, चप्पल में ही छोड़ दिया। मैं चाय बनाने आ रही थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चाय बनाने लगे सवेरे सवेरे। आप सोचिए पता मैं कितने बजे उठी हूँ, तो क्या पता माँ कसम सच में रात में तक फोन किया, मुझे नींद नहीं आई भाई। मैंने फोन किया, मैंने कहा दरवाजा खोल दे भाई, मैंने जी आपने सोने के लिए दादी के पास इधर ना, इधर मैं कहा ठंडा होगा ऊपर गर्मी की वजह से, क्या पता नींद नहीं आ रही। बंदे ने फोन नहीं उठाया इसने, मुझे तो गुस्सा आया इस इंसान पे। तो चलो हैं कपड़े बस। तो गाइस 8 बज गए और पतिदेव का फ़ोन आ गया, वो भी पहुंच गए श्रीनगर। तो अभी खैर वो स्टाफ में आएंगे, मतलब दिन में ही आएंगे 12 बजे। ये चीज़ मिल रही काफ़ी बेनिफिट हो गई कि हाँ वो सवेरे वाले स्टाफ में नहीं आए, क्योंकि घर का काम वगैरह भी निपटाना होता है और तैयार भी तो होना है मुझे। तो खैर मम्मी और जा रहे अपने काम पर और मैं फटाफट घर का काम निपटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मिलकर आपसे बाद में मिलूँगी आज से, ठीक है। मैं नहा गई और लग नहीं रहा वो अलग बात है, तो मैं नहा के भी आ गई। और कपड़े मैंने इसलिए चेंज नहीं किया भी, क्योंकि मैं ये वाला सूट डालने वाली इस पर प्रेस करनी थी, तो इसलिए कपड़े चेंज नहीं किया। और मैंने अपना कमरा फिर से ठीक ठाक कर दिया, सवेरे बहुत गंदी हालत हो गई थी इसकी, क्योंकि रात को मैं बिस्तर में सोई थी, मैंने सारे बैलून वगैरह सब नीचे फेंक दिए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, नहीं पहले मैं
वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, प्याज टमाटर वगैरह काट के रख देती हूँ तड़के के लिए, क्योंकि तब जब पति देव आएंगे तो उसी टाइम पे बनाऊंगी खाना। और आज भिगा रखी मैंने राजमा की दाल, क्योंकि इनकी फेवरेट है, तो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे वैसे भी कि कहते राजमा की दाल खानी है, तो मैं राजमा भिगो रखी हूँ और राजमा की दाल बनाऊंगी, और चावल में जीरा राइस, और साथ में बनाऊंगी रायता। तो तैयार बाद में होंगी, पहले बाल सूखने देती हूँ थोड़ा, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। राहुल भी निकलने वाले हैं मतलब वहाँ से, और खाना बनाने का टाइम भी हो गया, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं रेडी भी होना है। तो अभी दाल वगैरह सब उबाल उबाल के रखी हुई है, बस तड़का लगाना है दाल में और चावल बनाना, फटाफट खाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं मैं आपसे, ठीक है। 12 बज गए और 1 बजे तक पतिदेव भी आ जाएंगे, तो अब चलते हैं अंदर। मौसम देखो कितना खतरनाक हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। बस कुछ ज़्यादा था नहीं डेकोरेशन के लिए, तो चॉकलेट थी, मैं चॉकलेट का कार्ड बना देती हूँ यहाँ पे, है ना। मेरा हार्ड फाइनली रेडी हो जाती हूँ। तेरे ख्यालों बीते रात दिल मेरा मांगे तेरी दुआ, तू सामने हो और करूँ मैं बातें, लम्हा रहे हूँ ठहरा हुआ। पहले तो कभी मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मनी साहिब जी हर मेरा नाम भाभी जी न और कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रही हूँ मैं, क्योंकि हाँ मैं साड़ी वगैरह वेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिटिंग ही नहीं है साड़ी की कोई भी, और ना इस टाइम पे संभाली जाएगी वैसे भी। तो ये वाला सूट सिला था मैंने, सिलवाया था, सॉरी सिला नहीं था, ये मैंने खुद नहीं सिला, सिलवाया मैंने किसी से। तो या कुछ इस तरीके से मतलब ये सूट आपने तो देख ही लिया है पूरा, एक बार मैं आपको अच्छे से लुक दिखा दूँगी अगर कोई मिल जाएगा मुझे कैमरा पकड़ने वाला, तो बताना कमेंट करके कैसी लग रही हूँ मैं। तो टेंशन हुआ रहोगे, बस आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट रह रखे। तो अब मैं यहाँ से बिल्कुल मतलब ऐसे अब राहें तकती हूँ, क्योंकि और ही रोड वहाँ देखते क्यों मेरा ऐसा होगा कि यार आगे आगे आगे। चलो तब तक नीचे चलते हैं और मम्मी और उसे पूछती हूँ कि कैसी लग गई हूँ मैं, क्या बोलते हैं घर वाले, बोलेंगे इसको क्या होगा, क्या जा रही है, कैसी लग रही हूँ मैं। पापा देख रहे कहाँ जा रही है। दादी कैसे लग रही हूँ मैं, पहले बताओ कैसे लग रही हूँ मैं। अच्छे अच्छे खाप लगाना है। मम्मी का रिएक्शन अभी कवर करती हूँ, क्योंकि मम्मी नीचे नहाने जा रही, मम्मी भी, तो अब बस अब मैं इंतज़ार करूँगी मुझे क्या क्या हो रहा है। गाड़ी आ गई हाय, धक 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 हो रहा है मुझे।
बहुत देख रहे होंगे गाड़ी से कि मैं भी नीचे से वीडियो बना रही है, मुझे अजीब हो रहा है। आगे हैं।